शांति धारीवाल जी, प्रताप सिंह जी, रविंद्र सहयागी जी, सरोज मीना जी, हमारे कैंडिडेट राम नारायण मीना जी, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ स्वागत है। तो भैया आपसे सवाल, ये जो आपने हवाई जहाज पकड़ा हुआ है, ये भैया ये जो हवाई जहाज पकड़ा हुआ है आपने, ये राफाल वाला हवाई जहाज है या कोटा एयरपोर्ट वाला हवाई जहाज है? ये मैं समझना चाहता हूँ, ये राफाल वाला है या कोटा एयरपोर्ट वाला है या दोनों है? तो देखिए, जरूरी काम पहले करते। मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, आपसे मैंने कहा था, और मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि नरेंद्र मोदी जी, कोटा शिक्षा का सेंटर है, हमें इसको सिर्फ हिंदुस्तान की शिक्षा का सेंटर नहीं, पूरी दुनिया की शिक्षा का सेंटर बनाना है, और इसलिए कोटा को एक एयरपोर्ट की जरूरत है। मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी, अभी मैंने गहलोत जी से बात की, और मैं जो बोलता हूं मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। 15 लाख, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, ऐसी बात मैं नहीं करता हूं। यहां चुनाव में मैंने कहा था राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ होगा, 10 दिन में होगा, 2 दिन में हमने कर्जा माफ करके दिखा दिया। तो मैं आपके सामने गहलोत जी से सवाल पूछना चाहता हूं। गहलोत जी आइए माइक पे। गहलोत जी, राजस्थान की सरकार कोटा के एयरपोर्ट की जमीन देगी? बिल्कुल देगी, ठीक है, कार्य भी जल्दी आए और हम लोग उनसे मिले, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको अपना काम बताता हूँ, मैंने गहलोत जी से उनका काम बतवा दिया, बुलवा दिया, अब मैं अपना बताता हूँ। अगर राजस्थान की सरकार कोटा एयरपोर्ट के लिए जमीन देगी तो हिन्दुस्तान की सरकार कोटा में एयरपोर्ट बना देगी। अब चलते हैं भैया, हवाई जहाज दिखाओ, फिर से दिखाओ भैया, ऊपर कलर के दिखाओ। हाँ, ये अच्छा, ये तीन हवाई जहाज है। अभी हवाई जहाज जो है ये इस साइड वाला कोटा एयरपोर्ट वाला है, वो 2 राफाल वाले हैं। अब ये राफाल वाले हवाई जहाज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये हवाई जहाज इसलिए पकड़े हैं, भैया कैमरा वाले तरह हवाई जहाज दिखाना हमारा, हवाई जहाज दिखा दो। हाँ, अच्छा, ये हवाई जहाज इसलिए पकड़े हैं राजस्थान के लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके राफाल हवाई जहाज खरीदने में 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके उन्होंने अनिल अंबानी जी के जुम्मे डाले। अब एक नया नारा चला है, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है, सुनिए, चौकीदार बदल दिया, कोटा कोटा में थोड़ा थोड़ा अच्छा सुनाई देना चाहिए, चौकीदार, हाँ, चौकीदार, चौकीदार। अब देखिए, चौकीदार ने सिर्फ एयरपोर्ट से चोरी नहीं की, अच्छा भैया शांत हो जाए, अब सिर्फ एयरपोर्ट से चोरी नहीं की, चौकीदार ने अलग अलग लोगों से चोरी की। चौकीदार ने जनता को कहा मैं 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, भरोसा पैदा हुआ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, युवा बैठे हैं, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आया माता जी? किसी के आया यहां कोटा में, किसी के बैंक अकाउंट में आया? तो 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था वो भी जनता ने छीन लिया। तो मैंने सोचा कि मैं कोटा की जनता से कहूं और हिंदुस्तान की जनता से कहूं कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, झूठ था, मैं झूठा वायदा नहीं करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता को वो नंबर बताना चाहता हूं जो हम हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल पाए। 5 महीने पहले मैंने काम शुरू किया, 5 महीने पहले मैंने काम शुरू किया,
नरेंद्र मोदी जी बिना प्लानिंग के बिना सोचे समझे भाषण दे देते हैं। मैंने 5 महीने पहले प्लानिंग की और मैंने कांग्रेस पार्टी के जो इकोनॉमिस्ट है उनको बुलाया, थिंक टैंक वालों को बुलाया, कहा देखिए चाय पीजिए, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या सवाल है? नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की बात की थी, झूठ था। मैं ये समझना चाहता हूं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में अगर मैं पैसा डालना चाहूं तो बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए, बिना नोटबंदी जैसा नुकसान किए, गब्बर सिंह टैक्स जैसा नुकसान किए, हम कितना पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकते? तो हमारे बीच चौक गए, हिल गए, बाकी लोग भी हैरान हो गए। ये कैसा सवाल पूछा आपने? कैसा सवाल पूछा? वो अनिल अंबानी को उसने 45,000 करोड़ रुपए दिया, नाम आप जानते हो, देखो नीरव, भैया थोड़ा जोर से बोलो, पता नहीं करता, नीरव मैं हूं, ललित विजय अनिल, तो नाम आप जानते हो, मैंने चिदम्बरम जी से कहा देखिए अगर चौकीदार जी अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, मतलब लाखों करोड़ रुपए उन्होंने 5 साल में दिया, तो हम गरीबों को भी नहीं दे सकते? अरे ऐसी बात किसी ने पहले करी नहीं, पहले बात नहीं करी तो मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा पहली बात नहीं करी तो मैं क्या करूं? मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोटा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कोटा एयरपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही मजाकिया अंदाज में अशोक गहलोत को मंच पर बुलाकर कोटा के लिए एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का वायदा करवाया, यानी कि कोटा में आज बड़ी सौगात देके जाएंगे राहुल गांधी। जी हां, प्रदेश की सरकार बने 3 महीने हो चुके हैं और आज कोटा में रामनारायण मीणा के समर्थन में कांग्रेस ने एक विशाल जनसभा की और इस जनसभा को संबोधित करने राहुल गांधी कोटा पहुंचे और संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कोटा एयरपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जमीन देने का वायदा भी करवाया और साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नोटबंदी जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर आड़े हाथों लिया और कहा मोदी सरकार ने नोटबंदी कर विकास और व्यापार को खत्म कर दिया। और आपको कुछ अहम बातें बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में जनसभा को संबोधित करते हुए जो चीजें कही थी, उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्य है, विकास है, और वहीं दूसरी तरफ झूठ है, जुमलेबाजी है, तो गुमराह ना होके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो साफ तौर पर अपनी बातों से, अपने हाव भाव से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि देश का पीएम कहता है कि मैं ओबीसी से हूं और विपक्ष मेरे साथ अन्याय कर रहा है। अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि क्या कभी मैंने कहा कि मैं ओबीसी से हूं और मेरे साथ अन्याय हो रहा है? और साथ ही 2019 कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी जनता को विस्तार से बताया, कहा कि न्याय योजना से देश की जनता को विकास होगा और हर महीने गरीब परिवार को 6,000 रुपए प्राप्त होगा और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना करार दिया नरेगा योजना को, जो अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 100 दिन के नरेगा योजना की जगह 150 दिन की नरेगा योजना उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही राहुल गांधी भी जनता को संबोधित करते हुए अगर सरकार बनती है केंद्र में कांग्रेस की तो एक बड़ी सौगात दे गए और कहा कि मोदी सरकार ने कोटा एयरपोर्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो कोटा में एयरपोर्ट अवश्य बनेगा। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और साफ तौर पर पीएम मोदी के 5 साल के कार्यकाल पर कटाक्ष किया, तंज कसे और कोटा एयरपोर्ट को लेकर साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और मंच पर बहुत ही मजाकिया अंदाज में अशोक गहलोत को बुलाकर कोटा की जनता से ये वायदा करवाया कि अशोक गहलोत कोटा में जमीन उपलब्ध करवाएंगे कोटा एयरपोर्ट बनवाने के लिए। और कोटा में रामनारायण मीणा के समर्थन में
कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने वोट की अपील की और साफ तौर पर मोदी सरकार के लिए नोटबंदी जीएसटी पर कटाक्ष किया और कहा गब्बर सिंह टैक्स से किसी का भला नहीं हुआ बल्कि देश का विकास रुक गया, देश का व्यापार खत्म हो गया। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर से मोदी को राफेल के मुद्दे पर भी घेरा। अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित करते हुए जहां विस्तार से 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बताया और साथ ही कहा कि न्याय योजना केंद्र में सरकार बनते ही लागू हो जाएगी और हर गरीब परिवार के खाते में प्रतिमाह 6,000 रुपए यानी कि सालाना 72,000 रुपए डाल दिए जाएंगे।